नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने विमर्श में हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट हमने जाना था सिलोक्स के बारे में। हमने लास्ट बात की थी कि इसमें कितने टाइप के स्टेटमेंट बनेंगे और उन्हीं टाइप को मिलाकर जो भी निष्कर्ष आपसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब आपको कैसे करना है। तो चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। लास्ट देखिए, आपने जब तक देखा था कि इसमें कितने टाइप के स्टेटमेंट बने थे, आज हम उन्हीं टाइप को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि उनसे आंसर को कैसे सही करना है। तो चलिए, आपने पढ़ा था सबसे पहले ए टाइप स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में आपने सबसे पहले ए टाइप स्टेटमेंट पढ़ा था जो स्टार्ट था ऑल से, यानी कि सभी। ठीक है, इसमें आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो ऑल से स्टार्ट होगा, या फिर कोई भी निष्कर्ष जो कंक्लूजन आपका होगा वो भी ए से स्टार्ट होगा। उसके बाद ई टाइप स्टेटमेंट। ई टाइप स्टेटमेंट में आ जाएगा आपका नो या नन। ई टाइप स्टेटमेंट में यूज होगा आपका नो या नन। इसको आप बोल सकते हो कोई नहीं, इसको आप बोल सकते हो कोई नहीं। फिर आई टाइप स्टेटमेंट में आएगा। आई टाइप स्टेटमेंट में आप यूज करोगे सम, यानी कि कुछ। एक लास्ट ओ टाइप में आप यूज करोगे सम नोट, इसको बोल सकते हो आप कुछ नहीं। ठीक है, अब मैंने इनमें से लास्ट आपको बताया था कि इन चारों की क्या कैटेगरी थी, इनको किस आधार पर बांटा गया, और उसी कैटेगरी के आधार पर ये पॉजिटिव हुए और कुछ इनमें से नेगेटिव हुए। तो इनमें से आपको पता है कि कौन सा पॉजिटिव था? आपने कहा जी ऑल सभी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? पॉजिटिव। सेकंड क्या है? ई टाइप स्टेटमेंट, यानी कि कोई। ई टाइप स्टेटमेंट क्या है? कोई नहीं। तो जैसे इसमें नोट दिखाई दिया, नहीं आया, तो ये क्या है? ये आपकी नेगेटिव है। फिर से क्या आया? कुछ। ये भी कैसी है? पॉजिटिव। और फिर से क्या आया? ओ टाइप स्टेटमेंट। ये भी कैसी है? नेगेटिव। लास्ट आपको बताया था कि दो क्या है? पॉजिटिव है, और दो क्या है? नेगेटिव है। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डायरेक्ट कंक्लूजन कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट कैसे निकालोगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव कैसे निकालोगे, नेगेटिव कैसे निकालोगे, यानी कि कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, आप विदाउट वेन डायग्राम, बिना पेन और पेपर के इनके सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आसानी से कर पाओगे। तो चलिए, अगर हम बात करें स्टेटमेंट अपनी फर्स्ट की, तो देखिएगा जैसे ही इसने कहा फर्स्ट स्टेटमेंट, अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट की। आप हेडिंग लगा सकते हो डायरेक्ट स्टेटमेंट। या फिर आप इसको बोल सकते हो डायरेक्ट स्टेटमेंट ना बोल के डायरेक्ट कंक्लूजन भी आप इसको बोल सकते हो, यानी कि डायरेक्ट निष्कर्ष, यानी कि जो भी स्टेटमेंट आपके सामने है उसी से आप डायरेक्ट निष्कर्ष आप यहां से निकाल पा रहे हो। जैसे हम बात करेंगे फर्स्ट की, फर्स्ट में इसने कहा ऑल एक्स आर वाई, ये आपकी आई फर्स्ट स्टेटमेंट। ये क्या है बच्चे आपकी? ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब इसी के आधार पर आपको कुछ निष्कर्ष भी दिए गए होंगे। जैसे निष्कर्ष दिया गया है आपको ऑल वाई आर एक्स। सेकंड क्या है? सेकंड आपको दिया गया है सम एक्स आर वाई। थर्ड दिया गया है नो एक्स आर वाई। फोर्थ है नो वाई आर एक्स। नेक्स्ट एक और ले सकते हो आप, उसने कहा सम एक्स आर नोट वाई। सम एक्स आर नोट वाई। क्लियर हुआ पॉइंट?
अब देखिए उसने आपको केवल एक सिंगल स्टेटमेंट दी और एक सिंगल स्टेटमेंट से उसने आपसे पांच निष्कर्ष पूछ लिए गए कि बताइए इनमें से कौन से कंक्लूजन सही होंगे और कौन से कंक्लूजन गलत होंगे। तो चलिए जैसे ही मैंने आपको बताया था आपने देखा कि ये कौन से टाइप की स्टेटमेंट थी। ए टाइप स्टेटमेंट में किससे स्टार्ट हुई? ऑल से। अब मैंने इसमें दो बताया था आपको, एक सब्जेक्ट होगा दूसरा प्रेडिकेट होगा। जो फर्स्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी टेंस में बचे बचता है उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो चलिए यहां पर मैंने आपको ऑल की वैल्यू भी बताई थी कि अगर ऑल में आप वैल्यू रखोगे तो ऑल में वैल्यू कितनी थी? ऑल में वैल्यू थी आपकी 150। तो पहले क्या आया? एक्स आया तो एक्स में वैल्यू कितनी? 100। सेकंड क्या आया? वाई आया, वाई में वैल्यू कितनी? 50। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल एक्स आर वाई, सभी एक्स क्या है? वाई है। सभी एक्स क्या है? वाई है। अब देखिएगा फिर दूसरी बात क्या थी कि जो भी डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी ना, डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी और उससे जो भी डायरेक्ट निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? कभी भी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और आपसे कंक्लूजन दे दिया गया नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगर उसने कहा कि स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन आपको पॉजिटिव दे दिया, तब भी वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही उसका क्या बनेगा? निष्कर्ष बनेगा। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आपका क्या बनेगा? निष्कर्ष बनेगा। अब देखिएगा यहां से आपने देखा ऑल ये कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा निष्कर्ष है? सॉरी, स्टेटमेंट कैसी है आपकी? पॉजिटिव है। आपने कहा जी इनमें से आप पहले ये देख लो निष्कर्ष पॉजिटिव कौन कौन से है। तो आपने कहा ऑल से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव, सम से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव, नो से स्टार्ट हुआ नेगेटिव, नो से स्टार्ट हुआ नेगेटिव और सम नोट आया नेगेटिव। तो आपने कहा जी पांच जो मेरे सामने निष्कर्ष थे उनमें से दो पॉजिटिव है और तीन कैसे है? तीन उनमें से नेगेटिव है। अभी मैंने बताया कि सिंगल स्टेटमेंट में हमेशा किसका यूज करेंगे? डायरेक्ट कंक्लूजन का यूज करेंगे और जब डायरेक्ट कंक्लूजन का यूज होगा तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। तो स्टेटमेंट कैसी? पॉजिटिव। तो आंख बंद करके क्या कर दो? इनको कर दो गलत। ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बच्चे गलत। अब बचे कौन से? ये दो वाले। अब पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग तो ये दोनों सही है। अब हम बात करेंगे वैल्यू की। अब जैसे ही वैल्यू की बात करेंगे ऑल वाई, वाई पर वैल्यू हमें कितनी चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट किससे स्टार्ट है? ऑल से। तो वाई पर वैल्यू हमें चाहिए 100। एक्स पर वैल्यू कितनी चाहिए? 50। अब मैंने कहा कि मेरे पास वाई पर वैल्यू कितनी चाहिए? 100। लेकिन वाई पर वैल्यू है मेरे पास कितनी? 50। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे पास वैल्यू है 50 और मैं 100 रख सकता हूं? नहीं। इसको एक छोटे से पॉइंट से समझिएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास 50 रुपये है। कितने रुपए? 50 रुपए है। ठीक है, मैंने आपको कहा जी आप जाइए इस दुकान पर सामान लेने। उस दुकान पर केवल दो ही सामान है, कौन सा? एक 50 रुपए का और एक 100 रुपए का। ठीक है, फिर मैंने कहा आपके पास एक बार 100 रुपए दिए जी, बताइए। आपको फिर से बोल दिया गया कि जाइए सामान लेकर आइए, या तो 50 रुपए का सामान होगा या 100 रुपए का। तो आपने कहा जी मेरे पास 100 रुपये है, तो आपने कहा मैं 50 का एक सामान लेके आ सकता हूं या 50-50 के दो लेके आ सकता हूं। ठीक है, फिर आपने कहा कि अगर आप ये बोलते हो कि एक ही लेके आ, तो मैं 100 रुपये का एक भी लेके आ सकता हूं क्योंकि मेरे पास 100 रुपये है, या तो मैं 50 का भी ले सकता हूं या मैं 100 का भी ले सकता हूं। क्लियर हुआ? लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आपके पास केवल 50 रुपये हैं तो आप 50 रुपये का सामान ला सकते हो, आपने कहा जी बिल्कुल ला सकता हूं। अब मैंने कहा कि आपके पास है तो 50 रुपये, लेकिन सामान आपको 100 का लाना है, जबकि दुकान पर लिखा हुआ था कि उधार बंद है। ठीक है, तो जब उधार बंद है तो 50 रुपये में 100 का सामान कैसे दे देगा? नहीं दे सकता। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि हम नहीं ला सकते क्योंकि दुकान वाले ने लिख रखा है कि उधार बंद है क्योंकि हमने पहले से ही लोन ले रखा है। तो चलिए यहां से क्या हुआ, अगर आपके पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए, तो आप 100 रुपए की वैल्यू
₹100 का सामान यहां से नहीं ला सकते। तो सेम कंडीशन आपके सामने यहां पर आई, क्या कंडीशन आई कि जब आपके सामने क्या है, आपके पास ₹50 है, यानी कि आपकी वैल्यू y की वैल्यू आपके पास है कितनी 50, आपको चाहिए कितनी 100, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये भी हो जाएगा गलत। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पर। उसने कहा सम, अब सम की अगर हम बात करेंगे तो आपको सारी वैल्यू लास्ट मैंने बताई थी कि किसकी कितनी वैल्यू होगी, वहां से आप एक बार जाकर उसको वीडियो को लास्ट से देख सकते हैं। तो सम में वैल्यू कितनी थी 50 और 50। अब आपने कहा जी एक्स को, एक्स की वैल्यू आपको चाहिए कितनी 50, आपने कहा जी एक्स की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 आ जाएगा, 50 से 50 ये आ गया। आपने कहा जी वाई की वैल्यू है कितनी 100 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 से कितनी चाहिए आपको 50 चाहिए, तो मैंने कहा जी 100 से 50 ये आ गया। फिर आपके पास वाई की वैल्यू चाहिए कितनी आपको 50 चाहिए, और आपके पास है कितनी 50, तो आपने कहा जी 50 से 50 भी आ गया। तो केवल ये स्टेटमेंट इसकी क्या है, ये स्टेटमेंट इसकी सही है। तो यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन बातों को आप नोट करके रखना कि ऑल में जो वैल्यू होगी वो 100 और 50 होगी, पहले वाले के लिए 100 और दूसरे वाले के लिए 50 होगी। चलिए आज मैं इसको इतने आराम से आपको पढ़ाऊंगा कि इसको हर एक कंसेप्ट इसका यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो विदाउट पेन और पेपर के सारे क्वेश्चन आप सोल्व करोगे बिना डायग्राम बनाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं नो या नन की। नो या नन इसको हम बोल देंगे कोई नहीं, जिसके बारे में पहले भी जिक्र किया था। अब स्टेटमेंट आई हमारे सामने, स्टेटमेंट फर्स्ट है कि नो ए इज बी, नो ए इज बी। क्लियर। अब देखिए सेकंड में, अब यहां से निष्कर्ष क्या बना, फर्स्ट निष्कर्ष आपके सामने, उसने कहा ऑल ए आर बी, सेकंड में उसने कहा ऑल बी आर ए, थर्ड में उसने बोल दिया सम ए आर नोट बी, फोर्थ में उसने बोल दिया सम बी आर नॉट ए। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ये स्टेटमेंट है, इसके चार कंक्लूजन आपको दिए गए। जब सिंगल स्टेटमेंट हो तो उसको क्या बोल देंगे आप, डायरेक्ट निष्कर्ष बोल देंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन बोल देंगे। चलिए अब यहां से आपने देखा जी नो, नो कैसा है नेगेटिव है। आपने देखा जी निष्कर्ष कैसा, पहला निष्कर्ष पॉजिटिव, दूसरा निष्कर्ष पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव और चौथा नेगेटिव। क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखिए नो पे वैल्यू क्या बताई थी आपको, नो या नन पे वैल्यू बताई थी आपको 100 100, यानी कि वहां पर फर्स्ट और सेकंड यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के लिए आपको वैल्यू कितनी लेनी है 100 100 वैल्यू आपको लेनी है। तो आपने कहा जी ए, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 100, बी, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी की वैल्यू भी आपके पास 100 है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब चलिए आपने कहा लास्ट मैंने बताया था, क्या बताया था लास्ट मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, और स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव तो रिजल्ट भी कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। अब देखिए यहां से रिजल्ट स्टेटमेंट कैसी है नेगेटिव है, तो उससे नेगेटिव ही बनेगा, तो ये दोनों जो पॉजिटिव है ये दोनों हम कर देंगे गलत कि ये तो बन नहीं सकते क्योंकि स्टेटमेंट कैसी है नेगेटिव है और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकते। अब चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे वैल्यू की, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव तो बन गया, अब नेगेटिव से नेगेटिव बन गया तो उसके बाद किसको चेक करेंगे हम, उसके बाद चेक करेंगे वैल्यू को। सम नोट में हमने क्या बताया था, सम नोट में हमने बताया था कि पहले वाले के लिए 50 और दूसरे वाले के लिए कितनी 100 वैल्यू होनी चाहिए।
फिर से पहले वाले के लिए कितनी 50 और दूसरे वाले के लिए 100 वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए जी, जैसे ही आपने कहा जी ए की वैल्यू भी 100 है, बी की वैल्यू भी 100 है, अब 100 से 100 भी आ जाएगी और 100 से 50 भी आ जाएगी। अब उसने कहा सम ए आर नॉट बी, यानी कि यहाँ पे क्या 50 वैल्यू चाहिए ए की, आपके पास है कितनी 100 है, यहाँ पे वैल्यू कितनी चाहिए आपको 100 चाहिए, आपके पास वैल्यू है कितनी 100, तो ये भी क्या है सही और ये भी क्या है सही, तो यहाँ से दोनों सही आपके, दोनों फोर्थ थर्ड और फोर्थ दोनों कंक्लूजन कैसे होंगे सही होंगे। क्या आप बात समझ पाए, चलिए चलते हम नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट में किसकी बारी, नेक्स्ट आया आपका सम, सम यानी के कुछ। उसने कहा स्टेटमेंट फर्स्ट, फर्स्ट में कहा उसने सम, सम एक्स आर वाई, ये उसने स्टेटमेंट दे दी और ये आपको दे दिए कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या दिए गए, निष्कर्ष दिया गया आपको, उसने कहा ऑल एक्स आर वाई। सेकंड निष्कर्ष आपको दिया गया सम वाई आर एक्स। थर्ड निष्कर्ष दिया गया आपको सम एक्स आर नॉट वाई। फोर्थ है आपके सामने नो एक्स आर, नो एक्स इज वाई। तो ये चार निष्कर्ष आपके सामने हैं। तो स्टेटमेंट सिंगल और निष्कर्ष कितने आपके सामने, कंक्लूजन चार है, तो यहां से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं हम। आपने कहा जी सम से स्टार्ट है तो ये कैसा है पॉजिटिव, आपने कहा कि ये ऑल से स्टार्ट है ये कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, सम नोट आया ये नेगेटिव और नो आया ये भी नेगेटिव। तो आपको पता है कि पॉजिटिव से कैसा बनेगा डायरेक्ट में, डायरेक्ट निष्कर्ष, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, तो ये दोनों के दोनों क्या हुए कैंसिल हो गए कि ये तो बन नहीं सकते। अब कौन से, ये दो बन सकते हैं। क्लियर। अब चेक करेंगे इनको वैल्यू रख के। अब यहाँ पे सम में वैल्यू कितनी बताई थी, सम में वैल्यू बताई थी बच्चे आपको 50 50। अब ऑल में वैल्यू चाहिए कितनी आपको, ऑल में वैल्यू चाहिए आपको 150। अभी मैंने लास्ट आपको बताया था कि आपके पास केवल 50 रुपये है तो आप 100 रुपये का सामान नहीं खरीद सकते, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास है कितनी 50 और आपको चाहिए कितनी 100, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेकंड उसने कहा सम y r x, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी चाहिए 50 और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी चाहिए 50 और दोनों जगह आपके पास वैल्यू x की भी 50 y की भी, तो 50 से 50 आ जाएगा, तो इसमें केवल निष्कर्ष एक सही होगा। क्या आप बात समझ पाए, चलिए चलते हम नेक्स्ट। लास्ट एक और बचा अपना सम नोट, लास्ट बचा अपना सम नोट। अब देखिए सम नोट में क्या वैल्यू रहेगी, सम नोट में वैल्यू रहेगी 50 100, जैसा कि अभी आगे आया था। अब इसने कहा स्टेटमेंट फर्स्ट, फर्स्ट में इसने कहा सम सी आर डी, सम सी आर नोट डी, ये स्टेटमेंट है। अब निष्कर्ष क्या आया, निष्कर्ष आया आपका कंक्लूजन फर्स्ट आया क्या कि ऑल सी आर डी, सेकंड आया सम सी आर डी, थर्ड आया सम सी सम डी आर नोट सी, फोर्थ आया नो सी आर डी, एक और आया फिफ्थ नो डी आर सी। क्लियर, नो डी आर सी। चलिए अब देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये कैसा है, ये है नेगेटिव। और यहाँ जो आपको निष्कर्ष दिए गए, फर्स्ट निष्कर्ष है पॉजिटिव, सेकंड भी कैसा है बच्चे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो स्टेटमेंट कैसी आपके पास नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो बन नहीं सकता, ये तो देखते ही
कैंसिल कर दो कि ये दोनों तो बन नहीं सकते। क्लियर। अब देखिए चेक करेंगे वैल्यू को। वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, अब देखिए सम नोट पे वैल्यू कितनी, फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी 50, सेकंड वाले की कितनी 100। अब आपने कहा जी सम डी आर नोट सी, यानी कि आपको यहाँ वैल्यू कितनी चाहिए, यहाँ वैल्यू चाहिए आपको 50, डी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू कितनी चाहिए 100। अब आपने कहा जी डी की वैल्यू मेरे पास 100 है, तो मैं 100 से 50 लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल लेके आ सकते हो जी। फिर मैंने कहा जी मुझे सी की वैल्यू 100 चाहिए, लेकिन आपके पास सी की वैल्यू है कितनी 50, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा कि ये भी बन नहीं सकता। नेक्स्ट उसने कहा नो सी आर डी, यानी कि सी पे वैल्यू कितनी चाहिए 100, डी पे भी वैल्यू कितनी चाहिए 100, तो 100 100 चाहिए, यानी कि डी से 100 आ सकती है, लेकिन सी की आपके पास कितनी है 50, 50 से 100 नहीं आ सकता, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट उसने कहा यहाँ से भी सेम कंडीशन, 100 100 चाहिए, डी से 100 आ जाएगा लेकिन सी से 100 नहीं आएगा, तो ये भी बच्चे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे निष्कर्ष कैसे बनेंगे, गलत निष्कर्ष हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए आपने कैसे इनको पहचाना, सबसे पहले तो आपने पहचान लिया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे जो निष्कर्ष बनेगा वो भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब एग्जाम में आपको ये नहीं कि इनमें से पांचों के पांचों मिलेंगे, कोई भी दो मिल जाएंगे। अब मान लो एक पॉजिटिव वाला मिला और एक नेगेटिव वाला मिला, तो पॉजिटिव को तो देखते ही कैंसिल कर दोगे आप कि पॉजिटिव तो बन नहीं सकता, बनेगा कौन, नेगेटिव। अब नेगेटिव को आप वैल्यू रख के चेक कर लोगे, अगर वैल्यू सही है तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर वैल्यू सही नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं बनेगा, जैसे इसमें नेगेटिव नहीं बने। फिर दूसरा था क्या, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे निष्कर्ष भी कैसा मिलेगा, उससे निष्कर्ष भी बनेगा आपका नेगेटिव। क्लियर, बात समझ पाए। ये बात थी यहाँ तक डायरेक्ट कंक्लूजन की, ये यहाँ तक जो बात थी ये थी आपकी डायरेक्ट कंक्लूजन की। उसके बाद हम बात करेंगे आपके इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब इनडायरेक्ट कंक्लूजन आपके कैसे यूज होंगे वो देखिएगा।